हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में व्हाट्सएप कैसे चलाएं। जी हाँ, मोबाइल में तो आपने बहुत बार व्हाट्सएप चलाया है, लेकिन अगर आपने नया कंप्यूटर लिया है या लैपटॉप लिया है और उसमें आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हो तो कैसे चलाते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चलाने के लिए आपके पास मोबाइल भी होना चाहिए जिसमें आपका व्हाट्सएप है। तो दोस्तों, अब आप मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए पहले, ठीक है। यहाँ पर पहले व्हाट्सएप चालू कीजिए और व्हाट्सएप चालू करने के बाद जो कॉर्नर में आपकी जो 3 डॉट्स हैं उन पर क्लिक कीजिए। अब उन पर क्लिक करने के बाद ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है ना, व्हाट्सएप वेब, इस पर क्लिक कीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, हमारे पास एक स्कैनर चालू हो जाता है, व्हाट्सएप स्कैनर, जो QR कोड स्कैन करता है जो हमारे कंप्यूटर पर आएगा, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप पर आएगा। तो चलिए अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ डाउनलोड नहीं करना है, बल्कि आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है जिसको आप इस्तेमाल करते हो ज़्यादातर, ठीक है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादातर क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने उसको ओपन कर लिया हूँ। अगर आप फायरफॉक्स या ओपेरा मिनी कुछ भी करते हो तो आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अपने ब्राउजर में सर्च करता हूँ व्हाट्सएप। दोस्तों, जैसे ही हम व्हाट्सएप वेब सर्च करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर लिखा है व्हाट्सएप वेब, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप वेब की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। तो दोस्तों, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं और एक QR कोड स्कैनर भी है जिसको हमको अपने मोबाइल से स्कैन करना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं जो वही हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ। पहला है ओपन व्हाट्सएप ऑन योर फोन, जो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा है टैप मेन्यू अथवा सेटिंग एंड सेलेक्ट व्हाट्सएप वेब। जी हाँ, आपको मेन्यू पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप वेब को सिलेक्ट करना है। और तीसरा है कैप्चर द कोड, जो आपके कंप्यूटर पर जो कोड आएगा उसको कैप्चर कर लीजिए अपने मोबाइल के स्कैनर से, ठीक है। तो चलिए इस कोड को मोबाइल से स्कैन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम स्कैन करते हैं तो हम देखते हैं ये क्या, कंप्यूटर में हमारा व्हाट्सएप चालू हो चुका है और आप यहाँ से किसी को भी मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी ट्रिक, समझ में आ गया ना कंप्यूटर में व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मेरी वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।